तो भाई लोग टॉप 3 सुपर हीरोज जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी सामने वाले की फाड़ कर रख देते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है ब्लैक विडो। तो यार ब्लैक विडो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो एक एक्सपर्ट स्पाई है। वो वेपन्स को चलाने में मास्टर है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है और यही चीजें उसे एक सुपर हीरो बनाती है। नंबर 2 पर आता है हॉकाई। तो यार अपना क्लिंट बार्टन बो एंड एरोज के साथ किसी की भी फाड़ कर रख सकता है और भाई लोग लिटरली हमने हॉकाई के ट्रू पोटेंशियल को एंड गेम में उसके रनिंग फॉर्म को देखा था। भाई लिटरली इसने मेक्सिको में हुई एक गैंग वॉर के मैक्सिकन गैंग को इतना भी टाइम नहीं दिया कि वो अपनी गन्स को निकाल लें। और भाई लोग ये वाला ही सीन हमें दिखाता है कि हॉकाई बो एंड एरोस के बिना भी किसी से कम नहीं है। नंबर 1 पर आता है आयरन मैन। तो यार आयरन मैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैंने अपने हिसाब से नंबर 1 पर रखा है। भाई अपने टोनी भैया के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी, हालांकि उनका दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। अब भाई लोग तुम सब ये तो जानते ही हो कि अपने आयरन मैन भैया ने कितनी बार दुनिया को बचाया है। चाहे तुम द अवेंजर्स देख लो, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देख लो या फिर अवेंजर्स एंड गेम ही क्यों ना देख लो, सब में टोनी भैया का योगदान रहा है। कमेंट्स में जल्दी से लिख दो लव यू 3000।